बाजार नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपने शराबी पिता की धारदार चाकू से वार कर हत्या कर दी। हत्या के कुछ ही घंटों बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बेटे ने सुभाष नगर टी पॉइंट पर अपने पिता की हत्या कर दी। बजाज नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का नाम संजय शंकर राव निधिकर है, जो सुभाष नगर का रहने वाला है। संजय गार्ड की नौकरी करता था, वह शराब का आदी था। मृतक की पत्नी और उसका बेटा साहिल मृतक संजय से अलग मृतक के ससुराल यानी साहिल के ननिहाल पंडरा बोड़ी में रहते थे। साहिल की माँ घर में बर्तन धोने और कपड़े धोने का काम करती थी। आरोपी बेटा साहिल भी तैराकी करता था और मेहनत मजदूरी कर अपनी माँ का पालन पोषण करता था। काल रात्री आपले गुन्हे शाखेचे अंमलदार हे पोस्ट हद्दीत युनिट 1 अंतर्गत पेट्रोलिंग करीत असताना रात्री 12:30 सुमार असताना सुभाष नगर टी पॉइंट एक जखमी इसम मिळू आला। तो दिसता असताना लगेच नियंत्रण कक्षाला घोषणा माहिती दिली व तेवढ्यात एक बजाज नगर पोलिसांची पण एक वाहन पेट्रोलिंग वाहन हजर आलं व त्यांनी लगेच त्यांच्या मदतीने त्या जखमी इसमास उपचार कमी मेडिकल हॉस्पिटल भरती केलं, परंतु डॉक्टरांनी त्यास तपासून ब्रॉड डेड म्हणून घोषित केलं। त्या ते तपासलं असता त्यावरून त्याचे नाव आम्हाला संजय शंकरराव निधेकर राहणार सुभाषक झोपडपट्टी असं माहीत पडलं। त्याच्या अंगावर बऱ्याच मल्टिपल इंजुरीज होत्या, त्यावरून त्याच्या याच्यावरून त्याचं नाव निष्पन्न करून त्याची पत्नी पिंकी निधेकर ची फिर्याद घेऊन अज्ञात इसमाविरुद्ध गुन्हा हा दाखल करण्यात आला। तपासानंतर असं आम्हाला निष्पन्न झालं की मृत संजय निधेकर याचा मुलगा साहिल यानेच त्याचा खून केलेला आहे। आपण रात्रभर त्याचा आपण पाठपुरावा केला पण तो मिळू आला नाही। आज सकाळी तो आम्हाला मिळू आला, त्यासाठी विचारपूस केली असता साहिल यांनी आम्हाला सांगितलं की त्याचे वडील हे नेहमी दारू पिऊन यायचे व त्याच्या आईस मारहाण करायचे व त्याच रागावरून रात्री त्याने धारदार चाकूने त्याच्या वडिलांना जखमी करून त्यांचा खून केलेला आहे। आरोपी साहिल हा ताब्यात असून पुढील तपास सुरू आहे। त्यातील मृतक हा काही काम करीत नव्हता, तो नुसता दारू पिऊन आपल्या पत्नीस मारहाण करायचा। आरोपी हा आधी काही कॅफे लाऊंजमध्ये काम करायचा, पण ते कॅफे लाऊंज बंद पडल्यामुळे तो सध्या रिकामा होता। त्याच्यावरती यावेळी पुरी पुरुषन अंबाझरी येथे एक गुन्हा नोंद माहिती आहे, प्राथमिक माहिती आहे, आणि त्याचप्रमाणे तो ज्या कॅफे लाऊंजमध्ये काम करायचा तिथे पण त्याच्यावरती गुन्हे दाखल असल्याची माहिती आहे। दूसरी ओर मृतक संजय शराब पीकर अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता था, इसलिए वे दोनों अलग रहते थे, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया। मृतक का बेटा साहिल निधिकर काफी देर से अपने पिता के साथ मां पर हो रहे अत्याचार को देख रहा था। मृतक अक्सर अपनी पत्नी को शराब पीने के बाद फांसी पर लटका कर मार देता था। बीती रात भी मृतक संजय शराब पीने के लिए अपने ससुराल और पत्नी के घर गया था। उसने उसे डांटा और उसकी पत्नी को पीटा। मृतक ने अपनी पत्नी के पेट पर लात मारी और यह सब आरोपी साहिल ने देखा। इसके बाद मृतक वहां से चला गया। आरोपी बेटा इस बात से नाराज था कि उसके पिता ने उसकी मां के पेट में लात मार दी। साहिल ने अपने पिता की हत्या करने के इरादे से शराब पी और अपने पिता को खोजने लगा। आरोपी साहिल ने अपने पिता को IT पार्क के पास देखा और उनका पीछा किया। आखिरकार साहिल ने अपने पिता को विवेकानंद स्मारक के पास रोका और सीने व गर्दन पर चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे मेडिकल अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। इस दौरान मृतक की पत्नी और छोटा बेटा भी मेडिकल अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन साहिल वहां से गायब था। इसकी भनक पुलिस को लग गई और उसने साहिल की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आखिरकार आरोपी साहिल को हिंगना स्थित उसकी मौसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।